लोग आध्यात्मिक का दो मतलब लेकर चलते हैं, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब अंधविश्वास फैलाना और पॉजिटिव मतलब अपने आप को अंदर से जानना। मतलब जितना अंदर से अपने आप को पहचानोगे उतना ही आप बाहर की इस दुनिया को जान पाओगे। आज तक जितने भर लोगों ने सफलता को छुआ है उन लोगों ने सबसे पहले अपने आप को अंदर से जाना है। मान के चलो कि हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल और मेंटल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और मेंटल एनर्जी के लिए हम एकांत में बैठकर मेडिटेशन के थ्रू अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। हमारे ग्रंथ पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य का जन्म किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य की बुद्धि के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। निर्भर करता है कि उस मनुष्य की इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति कितनी दृढ़ है, और इस शक्ति को एकांत में बैठकर ध्यान शक्ति से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एकांत में बैठा इंसान जिस चीज के बारे में सोचता है तो उसका हल बहुत जल्दी निकल जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।